आम आदमी पार्टी करेगी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, मध्य जोन हरियाणा प्रभारी चुनी गई रेनू राणा। राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी 11 तारीख को आम आदमी पार्टी करनाल में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और सरकार से इस्तीफे की मांग करेगी। पानीपत पहुंचे सांसद सुशील गुप्ता ने रेनू राणा को पार्टी की मध्य जोन युवा इकाई का संयोजक नियुक्त किया, साथ ही अन्य पदाधिकारियों की भी घोषणा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है जिसके चलते नौजवान गुनाह के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है और कोई नई इंडस्ट्री हरियाणा में नहीं लग पा रही, इसलिए आम आदमी पार्टी आगामी 11 तारीख को किसान विरोधी सरकार का घेराव करेगी। गुप्ता ने कहा कि कृषि अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है, लेकिन देश का किसान अब इनके बहकावे में नहीं आने वाला। तो पूरा देश का किसान सड़क पे आया, किसानों से बात नहीं की, जल्दबाजी में कानून लेके आए, पूरी संसद में विरोध हुआ, गैर कानूनी तरीकों को लगाते हुए उस सभापति महोदय ने इसको पास किया। हमने उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लगाया, परंतु उसको भी सरकार ने अनदेखा किया, कोई वोटिंग नहीं कराई। हमने राष्ट्रपति जी से गुहार की कि गैर संवैधानिक तरीके से कानून बना है, आप इस पे संज्ञान लें, सरकार को दोबारा पुनर्विचार के लिए भेजें, संसद में चर्चा करवाएं, वोटिंग करवाएं। परंतु राष्ट्रपति जी ने भी जल्दबाजी में उस पे हस्ताक्षर किए। आज पूरे देश का किसान सड़क के ऊपर है, देश का प्रधानमंत्री, भाजपा का प्रधान, कृषि मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि MSP मिलेगी। MSP आज कपास पे नहीं मिल रही, MSP आज चावल पे पूरी तरीके से नहीं मिल रही, MSP गेहूँ पे पूरी तरीके से नहीं मिल रही, बाजरा 800 क्विंटल से ऊपर खरीदते नहीं है, मक्का के ऊपर MSP नहीं मिल रही। और अगर मिलेगी तो कानून की किताब में लिखने में दिक्कत क्या है? किसानों की भी ये डिमांड है कि आप बिल के अंदर लिख दें कि MSP से कम खरीद कानूनी अपराध होगा, उसको लिखने के लिए तैयार नहीं है। कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी उपाध्यक्ष किशन अग्रवाल, जिला अध्यक्ष सुखबीर मलिक, आप महिला शहरी अध्यक्ष रितु अरोड़ा सहित अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।